हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 16। पंचिका ने दर्श से कहा, पतलू तुझसे बहुत जरूरी काम है, सुनना। और बिना उसके जवाब का इंतजार किए उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ अपने कमरे की बालकनी की ओर ले गई। इस पर दर्श ने उसे देखते हुए पूछा, कोई सीरियस बात है क्या मोटू, ऐसे क्यों लेकर आई? तो वंशिका उससे एकदम धीमे से बोली, बहुत सीरियस बात है, सुन। कहते हुए एक नजर उसने इधर उधर देखा, फिर दर्श को देखते हुए धीमे से उससे बोली, आज ना कुछ भी करके रिवा दीदी और भाई को थोड़ा आसपास रखना है। दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं कि दादी और मैंने डिसाइड किया है कि वही दादी की बहू और मेरी भाभी बनेगी, समझा तू? इसलिए तुझे कुछ भी करके इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए अपने दांत चमकाते हुए उसे देखने लगी। वहीं उसकी बात सुन दर्श हैरान रह गया और अपने मन में बोला, इन दोनों भाई बहन को क्या लगता है, मेरे पास जादू की छड़ी है क्या? जो ये बोलेंगे वो हो जाएगा, पागल कहीं के। और फिर वंशिका से मुंह बनाते हुए बोला, मुझसे नहीं होगा ये काम, माफ कर मेरी माँ, खुद ही कर लेना। और वहां से वापस कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन वंशिका ने उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए अपनी ओर खींचकर कहा, क्या मतलब तुझसे नहीं होगा? यार तूने नोटिस नहीं किया, भाई बिल्कुल पहले की तरह उनके साथ होते हैं, मेरे लिए नहीं तो भाई के लिए, प्लीज ना पतलू। कहते हुए पाउट बनाते हुए एक बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर उसे देखने लगी। तो दर्श कुछ वक्त उसे घूरने के बाद बोला, चल ठीक है, लेकिन बस कोशिश करूंगा, अगर वो नहीं माना तो मैं उससे आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तू। और ये कहते हुए उसे उंगली दिखाने लगा। तो वंशिका बस उसकी बात पर खुश होकर उसके गले लगते हुए बोली, चलेगा यार पतलू, तू बस इतना कर दे, अब चल शॉपिंग वगैरह चलते हैं, आखिर वहीं तो करीब आएंगे दोनों। कहते हुए उसका हाथ थामकर वापस कमरे में आई, जहां कल्याणी जी और रिवा उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। तो रिवा को देखते हुए बोली, दीदी चलो अब शॉपिंग पर जाने का टाइम हो गया है, मैंने इससे बात कर ली है, ये भी आएगा, वैसे तो इसका कोई काम नहीं है, फिर भी अब जा रही हूँ भैया से पूछने और उन्हें मनाने, मुंह फुलाकर बैठे होंगे अपने कमरे में। आखिर आपने द महान रिवा शर्मा ने, जिनसे उनकी बहुत ज्यादा बनती है, उन्होंने उनकी इतनी तारीफ जो की है। और ये कहते हुए हंसकर वहां से वंश के कमरे की ओर चली गई। वंश कमरे में इधर से उधर टहलते हुए रिवा की बातों को सोचकर अपने मन में बोला, समझती क्या है ये अपने आप को, जब देखो मेरी बुराई करती रहती है, जानती क्या है मेरे बारे में। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। तभी उसके आगे एक हाथ आया जिसने लॉलीपॉप पकड़ा हुआ था। ये देख उसने उस ओर देखा तो वंशिका मुस्कुराते हुए लॉलीपॉप लिए खड़ी थी। तो उसने उसके हाथ से लॉलीपॉप लिया और खाने लगा। तभी वंशिका उसके गाल खींचते हुए बोली, क्या भाई, क्या आप रिवा दीदी की बातों का बुरा मानते हो? वो है वैसी, जब जो मन आता है वो बोल देती है, सोचती नहीं है, लेकिन इसका ये फायदा है ना, आपको पता है कि वो कितनी साफ दिल है, इसलिए अब इन बातों को लेकर मूड खराब करना बंद करो, लॉलीपॉप खाओ और फिर चलो शॉपिंग पर, वरना फिर रात को लेट हो जाएगा। इस पर वंश उसका हाथ अपने गालों से हटाते हुए बोला, वही तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो ऐसी है, जब देखो बिना सोचे समझे किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना इंसान को। लेकिन छोड़ो उसे, उसकी वजह से मैं तेरा दिन खराब नहीं कर सकता, तू चल मैं 5 मिनट में आता हूँ लॉलीपॉप खाने के बाद, उसके सामने खा लूंगा तो फिर ये एक और मौका मिल जाएगा उसे चिढ़ाने के लिए। कहते हुए मुंह बनाकर वंशिका को वहां से जाने के लिए कहता है। तो वो भी हंसते हुए वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद वंशिका रिवा और दर्श के साथ हॉल में बैठकर वंश के आने का इंतजार कर रही होती है और कहती है, यार ये भाई ना हमेशा लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लगाते हैं रेडी होने में, इतना क्या सजना संवरना है, कौन सा उनके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तभी दर्श उसकी टांग खिंचाई करते हुए कहता है, अब वो भी क्या करे, हर किसी के पास तेरे वाला टैलेंट नहीं होता ना, बिना रेडी हुए झल्लों की तरह जाने का। और उसके ये कहने के साथ साथ उन दोनों के बीच की नोकझोंक शुरू हो जाती है। वहीं रिवा उसकी बात पर अपने मन में कहती है, हम भले ही ना जा रहे हो उनके लिए लड़की देखने, लेकिन वो तो लड़कियां ही देखने जा रहे होंगे। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे उतरते वंश पर पड़ी तो वो उसे देखते हुए तंज भरे लहजे में बोली, फाइनली आप तशरीफ ले आए, आपके चक्कर में मेरे भाई और आपकी बहन लड़ पड़े हैं, चलिए अब ज्यादा देर मत करिए, लेकिन शॉपिंग से पहले हम कहीं और जाएंगे। और फिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ वंश को देखने लगी। इस पर वंश ने उसे घूरा लेकिन बोला कुछ नहीं। उसकी इस बात पर वंशिका उसकी ओर देखते हुए बोली, कहीं और, लेकिन कहाँ दीदी? तो रिवा बोली, वहीं जाएंगे जहाँ जाना शॉपिंग करने से बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन तीनों को एक एड्रेस निकालकर दिखाने लगी, जिसे देख वो तीनों ही हैरान रह गए। वही वंशिका बोली, पर हमें यहाँ क्यों जाना है? तो रिवा ने जो जवाब दिया उसे सुन वंश अपने मन में बोला, इतनी अलग क्यों हो तुम?
और क्यों 2 दिन में एक अलग सी जगह बनाने लगी हो मेरे परिवार में, मेरे दिमाग में। तुम्हारी सोच वैसी होती है जो आम तौर पर कोई लड़की सोचना ही नहीं चाहती। फिर भी तुम इतनी भोली, इतनी मासूम हो, इसी वजह से इतनी गलतियां तुम्हारी इन 2 दिनों में नज़रअंदाज की हैं। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट अपनी जगह बना रही थी। ऐसा भी क्या बोल दिया रिवा ने कि वंश के चेहरे पर ये मुस्कुराहट आई और वो मन में ये सोचने लगा। जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।